हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय स्वामी नारायण। टुडे वी विल लर्न अबाउट थ्री 40705। तो व्हाट इज कम्प्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किस्ट्रक्चर, एना विषे अपने ओवरव्यू जोवानो छे के शॉर्ट फॉर्म थशे COA। तो एनी अंदर तमारे स्टडी में शू करवा स्टडी शू करवानू आवे छे एना विषे अपने जोईशू। ओके, तो सौथी पहला आवे छे के दिस कोर्स प्रोवाइड डिटेल ऑफ कम्प्यूटर सीस्टम फंक्शनल कम्पोनट्स देर कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म्स एंड इंट्रेक्शन इंक्लूडिंग सीस्टम बस डिफरंट टाइप ऑफ मेमरी एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन एंड CPU। दिस कोर्स ऑल्सो कवर द आर्किटेक्चरल इश्यू सच एज इंट्रक्शन सेट प्रोग्राम एंड डेटा टाइप। ऑन टॉप डेट द स्टूडेंट आर ऑल्सो इंट्रोडक्टेड टू द increasingly important area of parallel organization. This course also serves as a basic to develop hardware related projects and hence it is an important course for all student of computer engineering branch. यानी कि आनी अंदर तमारे COA नी अंदर के कॉम्प्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विषय स्टडी करवानू आवे छे, एटले के रजिस्टर ट्रांसफर शू छे, कॉम्प्यूटर आर्किटेक्चर नी अंदर शू आवे छे, CPU ऑर्गेनाइजेशन शू छे एंड मेमरी अलोकेशन में शू शू मीन्स के स्टडी करवानू आवे छे एना रिलेटेड सब्जेक्ट छे। ओके, सौ तो फर्स्ट आवे छे के कोर्स आउटकम्स। ओके, तो द थियरी शूड बी taught and practical should be carried out in such a manner that student are able to acquire different learning outcomes in cognitive, psychomotor and effective of its main components. Identify various part of a system memory hierarchy. इंटरफेस डिजिकल सर्किट टू माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम रिलेटेड डिजाइन प्रिंसिपल इन इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन इंक्लूड RISC आर्किटेक्चर। यानी कि आनी अंदर माइक्रो ऑपरेशन शू है, माइक्रो ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर सीस्टम शू है, माइक्रो ऑपरेशन तमे कोने कहो छो विथ बेजिक। आज ऑल ओवर सब्जेक्ट है, ये तमारे बेजिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है एना उपर डिपेन्ड है। एट्ले कि आनी अंदर तमारे गेट ड्रॉ करवाना आवशे, बस सीस्टम शू है, कई रीते वर्क करे छे एना विषे स्टडी करवानुं COA नी अंदर आवे छे। नेक्स्ट जोईए तो टीचिंग एंड एक्जामिनेशन स्कीमा। तो टीचिंग स्कीमा टोटल क्रेडिट केटली छे ने एक्जामिनेशन स्कीमा, यानी कि तमारे आनी अंदर लेक्चर 3 आवे छे, थियरिकल नथी, प्रेक्टिकल आनी अंदर आवता नथी। एटले के आ जे COA सब्जेक्ट छे टोटल थियरिकल बेस छे, आनी अंदर प्रेक्टिकल आवशे नहीं। ओके, सब्जेक्ट ने क्रेडिट छे 3, थियरी मार्क्स आपवाना आवे छे तमारे आनी अंदर। ESE छे 70 छे, PA एटले के 30 छे, प्रेक्टिकल्स मार्क्स 0 छे ने टोटल मार्क्स आवे छे 100। ओके, सौथी पहला जोईए कोर्स डिटेलनी अंदर। तो आ COA सब्जेक्टनी अंदर टोटल 5 यूनिट छे। तो आपणे सौथी पहला डिस्कस करिए तो यूनिट 1 के कॉम्प्यूटर आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन। ओके, तो एनी अंदर आपणे सौथी पहला जोई लईए के टॉपिक एंड सब टॉपिक कया छे। तो ओवरव्यू ऑफ कम्पोनट एंड बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फ्लिप फ्लॉप्स रजिस्टर एंड शिफ्ट रजिस्टर विषे तमारे ट्रांसफर। डिस्क्राइब वेरियस एरेथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो एनी अंदर तमारे स्टडी करवानुं आवे छे एरेथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, एडिशन, सबस्ट्रेक्शन, कम्प्लीमेंट्स, नेगेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लिस्ट वेरियस लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन नी अंदर तमारे स्टडी करवानुं आवे छे के लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन एंड लिस्ट वेरियस शिफ्ट ऑपरेशन नी अंदर एनो सब टॉपिक आवे छे के शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन एरेथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट। ओके, तो टोटली तमारा जे आ मीन्स के COA सब्जेक्ट छे ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पर डिपेन्ड छे। ओके,
तो आनी अंदर आपणे जोईए तो सौथी पहला वात करेली छे के कॉम्प्यूटर यानी कि डिफरंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ओके एंड नेक्स्ट आवे छे के यूनिटनु नाम छे के कॉम्प्यूटर आर्किटेक्ट एंड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एंड माइक्रो ऑपरेशन. तो आपणे सीम्पली जोईए तो के आपणे वॉट रजिस्टर ट्रांसफर कोने कहीए, वॉट इज रजिस्टर ट्रांसफर इन कॉम्प्यूटर आर्किटेक्चर. ओके तो सीम्पली आपणे एनું કેવું હોય તો કઈ રીતે કહી શકીએ કે રજિસ્ટર ટ્રાન્સફર રિફર ટુ ધ અવેબિલિટી ઓફ હાર્ડવેર લોજિક સર્કિટ ડેટ કેન પરફોર્મ અ ગિવન માઇક્રો ઓપરેશન એન્ડ ટ્રાન્સફર ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ઓપરેશન ટુ ધ સેમ ઓર અનધર રજિસ્ટર. મોસ્ટ ઓફ ધ સ્ટાન્ડર્ડ નોટેશન યુઝ ફોર સ્પેસિફાઇંગ ઓપરેશન ઓન વેરિયસ રજિસ્ટર આર સ્ટેટેડ બિલો. ઓકે નેક્સ્ટ જોઈએ યુનિટ ટુની અંદર આવે છે કે બેઝિક કોમ્પ્યુટર ઓર્ગનાઇઝેશન. ઓકે તો એની અંદર તમારે શું મીન્સ કે સ્ટડી કરવાનું આવે છે કે મેમરી રેફરન્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇનપુટ આઉટપુટ કમ્પ્લીટ કોમ્પ્યુટર ડિસ્ક્રિપ્શન ડીઆર ધ કમ્પ્યુટર રજિસ્ટર એસી ઓર એક્યુમ્યુલેટર એના વિશે સ્ટડી કરવાનું આવે છે. તો આપણે જોઈએ કે બેઝિક કોમ્પ્યુટર ઓર્ગનાઇઝેશન એન્ડ એની ડિઝાઇનમાં મીન્સ કે શું આવે છે કે વોટ ઇઝ બેઝિક ઓર્ગનાઇઝેશન એન્ડ ડિઝાઇનિંગ. ઓકે તો એની અંદર આવે છે કે ધ ઓર્ગનાઇઝેશન ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર ઇઝ ડિફાઇન બાય ઇટ્સ ઇન્ટરનલ રજિસ્ટર ધ ટાઈમિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધ સેટ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ડેટ ઇટ યુઝ. ઓકે ઇન્ટરનલ ઓર્ગનાઇઝેશન ઓફ અ કોમ્પ્યુટર ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય ધ સિક્વન્સ ઓફ માઇક્રો ઓપરેશન ઇટ પરફોર્મ ઓન ડેટા સ્ટોર ઇન ઇટ્સ રજિસ્ટર. સેકન્ડની અંદર તમારે સેકન્ડ યુનિટની અંદર આવ્યું છે કે બેઝિક કોમ્પ્યુટર ઓર્ગનાઇઝેશન. ઓકે યુનિટ થ્રીની અંદર આવે છે કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસર ઓર્ગનાઇઝેશન એન્ડ પાઇપલાઇન પ્રોસેસિંગ. ઓકે તો વોટ ઇઝ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસર ઓર્ગનાઇઝેશન એન્ડ પાઇપલાઇન પ્રોસેસિંગ. તો સિમ્પલી હું તમને કહું કે વોટ ઇઝ પાઇપલાઇન પ્રોસેસિંગ ઇન કોમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર. ઓકે તો પાઇપલાઇન ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ એક્યુમ્યુલેટિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફ્રોમ ધ પ્રોસેસર થ્રુ અ પાઇપલાઇન. ઇટ એલાઉ સ્ટોરિંગ એન્ડ એક્ઝિક્યુટિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇન એન ઓર્ડરલી પ્રોસેસ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પાઇપલાઇન પ્રોસેસિંગ. પાઇપલાઇન ઇઝ અ ટેકનિક વેર મલ્ટિપલ ઇન્સ્ટ્રક્શન આર ડેવલપ ઓવરલેપેડ ડ્યુરિંગ એજ્યુકેશન. ઓકે નેક્સ્ટ આવે છે કે એની અંદર કે વોટ આર ધ સ્ટેજ ઓફ પાઇપલાઇન. ઓકે પાઇપલાઇન પ્રોસેસિંગ કરે છે પણ એના ફાઇવ ટાઈપ્સ કયા છે તે કે એના થ્રુ એ મીન્સ કે આર આઈ એસીની અંદર એ કમ્પ્લીટ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કમ્પેર આર આઈ એસી એન્ડ સીઆઈએસી આર્કિસ્ટ્રક્ચર છે. તો એના ઇન્સ્ટ્રક્શન ડીકોડેડ, થર્ડ સ્ટેજની અંદર એની અંદર આવે છે કે ઇન્સ્ટ્રક્શન એજ્યુકેટ, ફોર્થ સ્ટેજ આવે છે કે મેમરી એક્સેસ એન્ડ ફાઇવ સ્ટેજની અંદર આવે છે કે રાઇટ બેક. આ ફાઇવ સ્ટેજ થ્રુ પાઇપલાઇનિંગ છે એ સેન્ટ્રલ પ્રોસેસર ઓર્ગનાઇઝેશનની અંદર યાને કે કોમ્પ્યુટર ઓર્ગનાઇઝેશનની અંદર વર્ક કરે છે. નેક્સ્ટ આવે છે કે યુનિટ ફોર મેમરી ઓર્ગનાઇઝેશન. ઓકે કે મેમરી ઓર્ગનાઇઝેશન શું છે તો એની અંદર તમારે આવે છે મેમરી ક્લાસિફિકેશનને આપણે અંદર જોઈએ તો સિમ્પલ તો એની અંદર આવે છે કે રેમ, રોમ, પ્રી રોમ, ઇપી રોમ, મેમરી હાયરાચી, મેઇન મેમરી એન્ડ એક્સક્લુઝિવ મેમરી, એસોસિએટિવ મેમરી, કેચ મેમરી એન્ડ વર્ચ્યુઅલ મેમરી. મેમરી ઓર્ગનાઇઝેશનની અંદર અને કે સિસ્ટમની અંદર સીપીયુની અંદર તમારી જે મેમરી અલોકેશન આવે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે રેમ છે, રોમ છે, એ ઇપી રોમ છે, એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એન્ડ એના ટાઈપ શું છે અને કઈ રીતે સ્ટોરેજ થાય છે એની વિશે સ્ટડી કરવાનું આવે છે. તો મેમરી ઓર્ગનાઇઝેશનનો ઓવરવ્યૂ આપું કે આ યુનિટની અંદર તમારે શું મીન્સ કે સ્ટડી કરવાનું આવે છે. તો મેમરી ઓર્ગનાઇઝેશન ઇન કોમ્પ્યુટર આર્કિસ્ટ્રક્ચર, અ મેમરી યુનિટ ઇઝ ધ કલેક્શન ઓફ સ્ટોરેજ યુનિટ ઓર ડિવાઇસ ટુગેધર. ધ મેમરી યુનિટ સ્ટોર ધ બાઇનરી ઇન્ફોર્મેશન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ બિટ્સ. જનરલી મેમરી સ્ટોરેજ ઇઝ ક્લાસિફાઈ ઇન્ટુ ટુ કેટેગરી, વોલેટલી મેમરી, ધીસ ઇઝ લોએસ્ટ ઇઝ ડેટા વેન પાવર ઇઝ સ્વિચ ઓફ. ઓકે એન્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ
नेक्स्ट आवे छे यूनिट स्पेशल हार्डवेर कम्पोनट्स बिट्वीन द सीपीयू एंड प्रीफरल्स टू कंट्रोल और मैनेज द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर दिस कम्पोनट आर कॉल इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट बिकॉज दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन लाइक बिट्वीन प्रोसेसर बस एंड प्रीफेलर्स यानी कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन अंदर तमारे स्टडी करवानुं आवे छे तो कॉमन डिवाइस कई आपेली छे तमारे पीसीनी अंदर तो मॉनिटर कीबोर्ड माउस प्रिंटर मैग्नेटिक टेप आ जे बधी डिवाइस छे यानी कि धीस डिवाइस डेट आर अंडर ध डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कम्प्यूटर आर सेड टू बी कनेक्टेड ऑनलाइन ओके यानी कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन नी अंदर तमारे इनपुट डिवाइस कई आवे छे एंड आउटपुट डिवाइस कई आवे छे एना विशे स्टडी करवानुं आवे छे तो इनपुट डिवाइस नी अंदर शुं आवे तो कीबोर्ड ओके नेक्स्ट आवे छे के ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस ओके नेक्स्ट तमारे एनी अंदर स्टडी करवानुं आवे छे के ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस तो एनी अंदर तमारे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसना सब टॉपिक में शू आवे तो कार्ड रीडर पेपर टेप रीडर बारकोडर रीडर डिजिटलाइजेशन ऑप्टिकल मार्क रीडर मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस विषे स्टडी करवानुं आवे छे मैग्नेटिक स्ट्रीप रीडर विषे आवशे स्टडी करवानुं स्क्रीन इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन लाइट पेन माउस आ अलग अलग जे इनपुट डिवाइस छे एना विषे तमारे आ चेप्टरनी अंदर मीन्स के स्टडी करवानुं आवे छे नेक्स्ट जोईए आपणे आउटपुट डिवाइस तो आउटपुट डिवाइसनी अंदर तमारे शुं स्टडी करवानुं आवे छे तो कार्ड पंचर पेपर टेप पंचर सीआरटी प्रिंटर प्लॉटर एलोंग वॉइस यानी कि सीम्पली तमे ओवरव्यू जोई सको तो कॉम्प्यूटरना जेटला भी मीन्स के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस छे कई रीते वर्क करे छे एना विषे तमारे मीन्स के डीपमां स्टडी करवानुं आवे छे नेक्स्ट जोईए तो सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल विथ अवर्स ओके यानी कि तमारो जे यूनिट टोटल यूनिट 5 छे ए एना पाछळ टीचिंग होर्स केटला छे एना विषे आ टेबलनी अंदर मीन्स के बतावेला छे कि तमारे केटला कलाकनो मीन्स के एक छे यूनिटनी अंदर तमारे केटला कलाकनो मीन्स के अवर्स आवे छे आ लेवल एटले आ लेवल यू लेवल ए लेवल ने टोटल केटला मार्क्सनू पूछाई सके छे तो आपणे जोईए तो फर्स्ट यूनिटनी अंदरथी टोटल 70 मार्क्सनू तमारे एक्जामनी अंदर पूछाई सके छे सेकंडनी अंदर 11 थर्डनी अंदर 16 फोर्थनी अंदर 15 एंड 5नी अंदर 11 ओके यानी कि सौथी वधारे जो जीटीयूनी एक्जामनी अंदर पूछाई सके तो फर्स्ट एंड थर्ड चेप्टरनी अंदरथी तमारे सौथी वधारे एक्जामनी अंदर पूछाई सके एम छे ओके नेक्स्ट आवे छे के सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सिस यानी कि कॉम्प्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि ऑथर एंड पब्लिकेशन ओके के तमारे कया ऑथरनी बुक मीन्स के जोईए छे डीपमां मीन्स के सीओ ए कई रीते वर्क करे छे कम्प्लीटली के कॉम्प्यूटर आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन शू छे एना विषे स्टडी करवू होय तो आ ऑथरनी बुक छे ए तमे रीड करी शको छो एंड स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक जय स्वामीनारायण